आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आइए ग्रामीण अंचल के हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए रुख करते हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में। दो साल से शौचालय का पैसा नहीं मिलने से परेशान चिखली का अमित सिद्धार्थ जांजगीर कलेक्टर से आवेदन देने पहुंचा। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले मालखुर्द क्षेत्र के ग्राम पंचायत चिखली के अमित सिद्धार्थ दो साल से शौचालय पैसा के लिए दर दर भटक रहा है। सरपंच सचिव को बोलने पर रुक जाओ, जमीन जायदाद बेचकर तुमको पैसा दूंगा बोला जाता है। सरपंच सचिव से परेशान होकर अमित सिद्धार्थ हितग्राही मजबूरन जांजगीर कलेक्टर को आवेदन देने पहुंचा। दरअसल मामला मालखुर्द ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिखली का है, जहां हितग्राही अमित सिद्धार्थ के द्वारा दो साल पहले सरपंच सचिव के द्वारा शौचालय का निर्माण करवाया गया था, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, जिसे हितग्राही परेशान मजबूरन लोगों से कर्ज लेकर शौचालय का निर्माण किया था, परंतु अभी दो साल होने के बाद भी पैसा नहीं मिलने से दर दर भटक कर परेशान रोज सरपंच सचिव के चक्कर काटता है। सरपंच सचिव के पास जाने के बाद सरपंच सचिव के द्वारा रुको, तुम्हारा पैसा जमीन जायदाद बेच कर देंगे करके बोला जाता है और टाल दिया जाता है। इन सब से त्रस्त होकर जांजगीर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचा। का नाम है? तो अमित कुमार सिद्धार्थ। क्या परेशानी आ रही है आपको कलेक्टर? मेरे को परेशानी है सर कि मैं अभी दो साल से एक लिए भटक रहा हूँ शौचालय पैसा के लिए। दो साल से आवेदन लगा रहा हूँ जांजगीर चांपा कलेक्टर कार्यालय में। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? आप लोग बोल रहे हैं कि खाली अनुशासन दे रहा कि मिल जा हो जाएगा। कभी दो साल से घूम रहे हैं, अभी तक नहीं मिला। सरपंच सचिव को बोलते हैं क्या? सरपंच सचिव बोलते हैं कि जमीन को बेच कर देंगे, घना धर कर देंगे, क्या बोल रहे हैं। फिर आप लोग क्या बोलते हैं? फिर उसके बाद नहीं ध्यान देते हैं, कहते हैं तो दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद बोलते हैं। उसे घुमा रहा है बार बार, जनपद में भी आवेदन दे चुके हैं। अब क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं आप? मेरे को पैसा चाहिए शौचालय का। अगर आप रोज रोज नए नए अंचल के समाचार को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल जेएक्स न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, और साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।